देखिए सब, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या, वही y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ध्यान में रखते हो कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, सही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। अच्छा, अब हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक का जो भी ग्राफ बनेगा, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैक्सिमम के लिए बात कर रहा हूँ है ना, या मिनिमम के लिए कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं सबसे पहले बात करता हूँ ए ग्रेटर देन जीरो के लिए, कोई भी एक ग्राफ ऐसा, मैंने कोई भी ग्राफ बना दिया कैसा भी है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जैसे जैसे मेरा ये चौक आगे पीछे चलता जाएगा, वैसे वैसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बदलते जाएंगे, यहाँ कुछ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अलग होंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ कुछ और होंगे क्योंकि वाई एक्सिस पे, यहाँ कुछ और होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पे, ये अब फोर्थ क्वाड्रेंट में और यहाँ फिर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब एक्स और वाई बदल रहे हैं, सही है। अच्छा, अगर इसके एक्स और वाई बदल रहे हैं, तो जैसे उधर जाकर के एक्स कैसा हो जाता है, नेगेटिव, अरे सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होगा, नेगेटिव। अच्छा, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट हो, एक्स कैसा हो गया, पॉजिटिव है ना भाई। अच्छा, वैसे ही वाई भी बदलेगा, एक्स बदलेगा तो वाई भी बदलेगा। अच्छा, मेरे पे बात बताओ, यहां पर जो वाई मिला देख रहे हैं आप, पॉजिटिव या नेगेटिव, और यहां पॉजिटिव या नेगेटिव, इतने से भी पॉजिटिव, क्यों, एक्स एक्सिस के ऊपर है, अरे एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहां कैसा, और यहां, अब मेरे को बात बताइए सबसे कम वाई कहां मिला, सबसे कम वाई कहां मिलता है, क्या सबसे छोटा वाई यहां मिलेगा, यहां 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 या यहां, कहां पर, यहां पर, क्या आप समझ गए, सबसे कम वाई यहां मिलेगा, और मैं नीचे जा नहीं सकता क्योंकि फिर तो मैं ग्राफ ही छोड़ दूंगा, तो इसका मतलब ये कि जो मिनिमम वाई है, मिनिमम वाई समझ रहे हैं आप, मिनिमम ऑफ वाई कहां मिला मुझे, वर्टेक्स पे मिला, अभी आप में से कई लोग समझ गए, सही ना भाई। यस सर। तो हमारा जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है पूरी कहानी का, वो यही है कि हम मिनिमम निकाल दें इस तरह के ग्राफ में, क्या आपके दिमाग में आ गया, है ना। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं वाई का मिनिमम निकाले, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वाई का मिनिमम निकाले और दुनिया को ये भी बता दें कि ये वाई का मिनिमम एक्स की किस वैल्यू पे आया, ऐसा नहीं वाई का मिनिमम देके भाग गए, एक्स की उस वैल्यू पे वाई आ रहा है, क्या मेरी बात समझे, इसका मतलब वाई का मिनिमम ही नहीं निकालना, एक्स की किस वैल्यू पे आ रहा है वो भी निकालना है, ये बात आपके समझ में आ गई। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मिनिमम ऑफ वाई यहां मिलेगा, मैं इससे छोटा वाई नहीं ढूंढ सकता मैं इस ग्राफ पर, ऐसा नहीं है मैं इस दुनिया में ढूंढ सकता, दुनिया में ढूंढ सकता इस ग्राफ पर जो सबसे छोटा वाई वो वर्टेक्स है, ये बात आपके समझ में आ गई, यहां तक तो बात पकड़ में आ गई है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है वाई का मिनिमम निकालना और बताना कि एक्स की किस वैल्यू पे आया। तो इसको निकालने के हमारे पास में कई मेथड है, ठीक है ना, उनमें जो सबसे पहला मेथड है वो है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। क्या मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया, याद है आपको, तो मैं आपके सामने एक बार दोबारा बात कर लूं, है ना। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे ये वाई इज इक्वल टू में, है ना, मुझे दिख रहा है ए इंटू, थोड़ा सा देखिएगा, मेरे को ये दिख रहा है ए को बाहर लिखते ही एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, है ना, प्लस सी बाई ए, क्या आपको याद आ गया, yes, मैंने आपको कहा था सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना कर लो, क्या मैंने ए को बाहर निकाल के एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन कर डाला, yes, फिर तुरंत एक्स पे नजर डालो, एक्स के साथ में कौन बैठा है, उसका आधा, आधा सोचोगे तो कितना मिलेगा, b by 2a, तुरंत इसके साथ में b by 2a का होल स्क्वायर जोड़ दो और b by 2a का होल स्क्वायर घटा दो, समझ में आ गया, और ये इसका इसका ब्रैकेट इधर कर दो, है ना। अब इतनी दूर तक जो बना उसे आप में से कोई भी समझ सकता है, ये लिखा हुआ है x प्लस b by 2a का, b by 2a का, b by a का, पक्का ना भाई, बहुत सोच समझ के बोलना भैया, ताकि हाँ बी बाई, पक्का ना, मैं एक बार लिख देता हूं फिर आपसे वापस डिस्कस कर लूंगा, बी बाई टू ए का स्क्वायर, खोले एक बार जरा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए, ये बन गया। अच्छा, प्लस में टू टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो टू टू कट गया, बी बाई ए रह गया, थोड़ा तेज बोलिया,
संभाल लेंगे ना। अच्छा और पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया माइनस का, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। अच्छा प्लस में कितना, सी बाई है, पक्का। अब और आगे चलते हैं, तो ये हो गया हमारे पास फाइनली इट इज एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और माइनस में माइनस को मैं ले रहा हूं, है ना भाई। एलसीएम भी पूछ लो आपसे, एलसीएम कितना ऊपर की तरफ बन गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सोचा नहीं आया। अच्छा अब मेरे पास में वाई आ चुका है, मैं फाइनली एक बार और वही की वही चीज यहां कॉपी कर रहा हूं, मेरे पास वाई आ चुका है ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस में, इट इज राइट नाउ फॉर मी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई फोर ए स्क्वायर, जिसमें आप में से कई लोगों की इच्छा हो रही है मैं डी बोल दूं, बस मैं तैयार हूं बोलने के लिए। मुझे निकालना है वाई मिनिमम, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव था वाई का क्या निकालना, मिनिमम। क्या आपको ध्यान है, जैसे मैंने इसके आगे मिनिमम लगाया, मिनिमम लगाते ही सबसे पहला दान जो करेगा वो करेगा परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इस परफेक्ट स्क्वायर को अच्छे से पता है कि उसका मिनिमम जीरो होता है। क्या आपको याद आ गया, बाकी रही ये बात इन दोनों की, ये मिनिमम बोल ही नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके पास कोई वेरिएबल है ही नहीं, ये बदल ही नहीं सकते। वेरिएबल माने बदलने वाला, एक्स ही इकलौता है जो अपने आप को बदल सकता है, वो बदल करके किसी जगह पे मिनिमम आ सकता है, बाकी ये सब पत्थर हैं। एबीसी क्या है, वो तो फिक्स है, एबीसी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देते ही फिक्स हो गए, एक्स ही इकलौता है जो बदल सकता है, नहीं है इसमें पूरी कहानी में एबीसी तो क्या है, कॉन्स्टेंट है मेरे लिए, क्या आपको पता चला। तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज अ कॉन्स्टेंट फॉर मी, इट कैनॉट चेंज, द थिंग दैट कैन चेंज दैट इज एक्स ओनली। क्या भी बात समझ में आई, इसका मतलब ये कि y का मिनिमम निकालने के लिए अगर मैं किसी की तरफ देख सकता हूं तो वो सिर्फ ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट कैन नॉट चेंज, इट इज फिक्स नाउ, ये अपने आप में कांस्टेंट है। तो राइट नाउ मैंने इससे पूछा भाई तू अपना मिनिमम दे दे, तो इसने अपना मिनिमम कितना दे दिया, जीरो। अच्छा अब मेरे को कोई बताएगा ये मिनिमम जीरो कब देगा, एक्स की किस वैल्यू पे जीरो दे देगा, सोचो ये ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू, मिनिमम जीरो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, क्योंकि जैसे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए बनेगा ये दोनों कट जाएंगे और जीरो दे देगा। क्या आपको बात समझ में आई, और उस समय पर वाई का मिनिमम क्या हो चुका होगा वो भी तो सोचो, उसका मिनिमम हो चुका होगा ए तो बाहर, ये तो बन गया जीरो, और ये क्या बन गया माइनस डी बाय फोर ए स्क्वायर, नहीं आया, और क्या आया बताए आपको, ये कितना आ गया माइनस डी बाय फोर ए। इसका मतलब मुझे यहां से पता चला कि y का मिनिमम माइनस डी बाई फोर है, सो फॉर a ग्रेटर देन जीरो y मिनिमम इज इक्वल टू माइनस डी बाई फोर है एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए या a माइनस बी बाई ए। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ तो ये कभी भी अकेला नहीं बोला सकता, y का मिनिमम नहीं बोला, क्या है ये मैंने गलत दे क्या है, अच्छा y टू ए टू ए टू ए है ना भाई। तो आपको पता चला y का मिनिमम कभी अकेला नहीं बोला जाता, पूरा बोला जाता y का मिनिमम ये है और यहां है, क्या ये कहानी पकड़ में आ गई। अच्छा अब रही बात, लेकिन सर आपने तो रेंज बोली है, रेंज का मतलब तो नीचे से नीचे इतना और टॉप से टॉप कितना, तो एक बच्चे के दिमाग में y मैक्सिमम कितना, इनफाइनाइट, क्यों क्यों इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि ये ग्राफ कहां जाके रुकेगा, इनफाइनाइट पे, नीचे तो रोक है इसकी, नीचे तो इसकी सम लिमिट है लेकिन ऊपर इनफाइनाइट है, तो कहने का मतलब क्या निकलेगा फाइनली, y मैक्सिमम इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सही है। तो रेंज क्या निकली, रेंज निकली माइनस डी बाय फोर ए से लेकर के इनफाइनाइट तक, सही है। ये तो पहला मेथड हुआ जब मैंने क्या किया इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये नहीं है, हम लोग हालांकि ना तो ये वाला मेथड यूज करेंगे और ना वो वाला, हम तो याददाश्त वाला मेथड यूज करेंगे जिसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हमने एक बार कर ली जो मेहनत करनी थी, जो कर ली उसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मेथड टू जाना बहुत जरूरी है, क्या वाई इक्वल टू कितना है बी एक्स प्लस सी, हमको ये पता चल गया कि वाई मिनिमम एट वर्टेक्स, क्या आपको याद आ गया वाई मिनिमम कहां है, और वर्टेक्स निकालने का तरीका डी बाय बी एक्स, इसका मतलब टू ए एक्स प्लस इक्वल टू जीरो कर दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वो जो हमने इतना झगड़ा करने के बाद निकाला वो एक ही बारी में आ गया। क्या कोई बात समझ में आ गई, उसकी जगह x इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए। अब लेकिन दूसरी बात ये आसान पड़ गया तो वो y भारी कर देगा, इसको उठा करके मेरे को इसमें रखना है,
और कई बच्चों का तो यही प्राण सूख जाते हैं कि इसमें रखो बी से झगड़ा करो, नहीं आया समझ में, तो उसको समझ नहीं आता कौन सा रास्ता सही है। फिर वहां वाई के लिए झगड़ करके एक्स आसान मिला या एक्स के लिए आसानी से वाई झगड़े में मुश्किल मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लोचा है, नथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, पुट एम वाई। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ वाई कितना आने वाला है, वाई कितना आने वाला है पता है आपको, माइनस डी वाई फोर ही आएगा। सही है, तो आप पहले तो कॉपी कर लो फिर मैं आगे बताता हूँ आगे, ये तो सिर्फ लिखने लिखाने की चीज है ना, फटाफट कॉपी हो जाए। ठीक है, ठीक है सर, फाइनली आपको जो बातें याद रखनी है वो क्या क्या है ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन सी ऐसी बातें जो आपको याद रखनी है, दो बातें याद रखनी है, याद रखिएगा। पहला, आपके पास में हमेशा दो केसेस होंगे, ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो होते ही आपको पता होना चाहिए ग्राफ ऐसा बनेगा, और ए लेस देन जीरो होते ही ग्राफ ऐसा बनेगा। श्योर, इस जगह पर हमेशा मिनिमम आएगा, क्यों? क्योंकि इससे नीचे का कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन इसी ग्राफ के अंदर इस जगह पर हमेशा मैक्सिमम आएगा। क्या आपको याद रहेगा? अच्छा, एक और बात याद रखना, ये जगह हमेशा वर्टेक्स कहलाएगी, ये वाला पॉइंट पता ही होगा आपको, वैसे ये वाली जगह हमेशा वर्टेक्स कहलाएगी, वर्टेक्स कभी नहीं बदलेगा। वर्टेक्स का हर बार एक ही फार्मूला है फिक्स, और उसका नाम है माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। क्या आपको याद रहेगा ये बात, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, बात समझ में आई? ये कभी भी ऐसा नहीं होता वाई का मिनिमम हो, वाई का मिनिमम एक्स की इस वैल्यू पर। अरे कोऑर्डिनेट हमेशा दोनों होते हैं, एक्स और वाई दोनों, और ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है ना। हाँ, वो ऐसे कभी कभी घुड़दौड़ होती रहती, ठीक है। हाँ, वाई का मिनिमम एक्स की इस वैल्यू पर है, पॉइंट पकड़ में आया आपको? वैसे ही इसका भी अगर कोई वर्टेक्स पूछेगा तो वर्टेक्स कोई अलग थोड़ी ना हो जाएगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, खत्म। हर बार यही होगा, कोई मेरे से पूछेगा वाई का मैक्सिमम कितना है, ये रहा माइनस डी बाई फोर ए, वाई का मिनिमम कितना है, माइनस डी बाई फोर ए, दोनों में माइनस डी बाई फोर ए। हाँ, लेकिन सर फिर आंसर सेम नहीं आ जाएगा। अरे कैसे सेम आ जाएगा, वो पॉजिटिव है, उसमें ए पॉजिटिव है, इसमें ए नेगेटिव है, अगर ये सेवन दे रहा होगा तो माइनस सेवन दे रहा है, आंसर में तो बहुत फर्क है ना, ए बदल गया भाई, नहीं है। तो आपको पहली चीज हमेशा ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई आपसे रेंज पूछेगा तो रेंज के टाइम पे तो आप सिर्फ इतना से चिपकाओगे, माइनस डी बाई फोर ए से लेकर के इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। इधर क्या बोलोगे, माइनस डी बाई फोर ए से माइनस इनफाइनाइट, तो बोलते उल्टा है, याद रखना माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी बाई फोर ए तक। सही है, क्या आपको ये बात पकड़ में आ गई? तो हमेशा दो बातें बोलेंगे आप हर बार। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये फर्जी नहीं है लाइन, हाँ, इसका नाम लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री आगे जाकर के बहुत काम की चीज है हमारे लिए, ये तो बाद में भगवान बन जाएगी एकदम से। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री, इसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए, ठीक है ना, अभी तो आप इतना ही लिख लो, आगे चलते हैं। ये मिटा रहा है ना, ये क्या मिटो, ये की है ये वाला ना, अच्छा अच्छा गुड। एक ही रेंज में निकाल के दिखा रहा हूं, एक की आप निकालोगे, ठीक है, फटाफट फटाफट। ठीक है, मैं इसकी निकाल देता हूं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। हाँ भाई, आ जाओ, फाइंड रेंज ऑफ, चालू करें काम। हाँ, एक मिनट आ जाओ, जल्दी देख तो लो, आप में सभी लोग जान गए इसका एबीसी कितना है। हाँ या ना, समझ में आ गया, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव माने कौन सा ग्राफ सपोर्ट करेगा, फर्स्ट माइनस डी बाई फोर से लेके इन्फाइनाइट तक। तो अगर कल को मेरे से कोई इसकी रेंज पूछता है तो
तो रेंज के लिए मेरे पास मैं सीधा तरीका अगर रटा हुआ है तो बढ़िया, माइनस डी का मतलब हमारी दुनिया में 4ac माइनस बी स्क्वायर होता है साहब, ये तो पता होगा। अरे माइनस डी का मतलब 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कितना 4a से लेके कहां तक इनफाइनिट, इसका ए बी सी बोल दो, ए कितना सी 5, बी की जगह 4 अपॉन में ए की जगह 3, तो फाइनली अगर देखा 3 से 3 कम कर दूं, 4 से 4 कम कर दूं, क्या कर दूं, करवा दो आज नहीं, अच्छा पक्का ना भाई, नहीं है नहीं करूं, अरे बोल दो ना, चलो पक्का ना, क्यों बुरा लगा, 4 इंटू कितना 3 इंटू 5 इंटू माइनस में कितना 4 का स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना 4 इंटू 3 है ना भाई, आप में से कई लोगों को ऊपर 60 दिख गया, 60 में से 44, 44 डिवाइड बाई 12, 44 से वो 4 भी गया तो कितना 11 बाई 3 टू इन्फिनिट, ठीक है तो रेंज आ गई 11/3 टू इन्फिनिट। लेकिन आंसर क्या पूछेगा मेरे से, वो मेरे से बोलेगा कि y इज इक्वल टू y मिनिमम कितना, मैं कहूंगा 11/3, एट x इज इक्वल टू कितना, वो ये भी तो मांगेगा माइनस बी बाय 6, नहीं आया बोले तो माइनस 2/3, रेंज तो यही आ गई, लेकिन वो पूछेगा मिनिमम कितना, तो मैं बोलूंगा मिनिमम यहां और यहां y की इस वैल्यू पर और x की इस वैल्यू पर, नहीं है आंसर तो आ गया यहां तक, मैंने तो अब आगे का बात रखा है, बात समझ में आ गई, अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है करो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़े ध्यान से रेडी, चलो करो। हाँ भाई कितना लोगों का हो गया, कितना आया 3/4 टू इन्फिनिट, पक्का ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी इज इक्वल टू 1 है ना भाई, ए पॉजिटिव है माने फर्स्ट केस, तो मेरे से किसी ने रेंज पूछी तो मैं अपनी तरफ से तो वही बोलूंगा 4ac माइनस का कितना बी का स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना 4a से लेकर के इन्फिनिटी, ये तो बोलना है भाई, और a की जगह पर 1 और c की जगह पर 1 और इसकी जगह -1 और यहाँ पे भी 1 है ना, तो फाइनली इट इज 3/4 टू इन्फिनिटी। और अगर कोई इसने पूछ लिया कि y मिनिमम कहाँ, तो y मिनिमम इज इक्वल टू 3/4 एट x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, बोले तो 1/2 है ना भाई, चलो बढ़िया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ है ना, ऐसा लड्डू कोई नहीं देने वाला, ये क्वेश्चन के अंदर कोई नहीं पूछेगा, मतलब इसका कोई भाव नहीं है, मार्केट में हमेशा इसके साथ कोई ऐसी बात लिखी होती है जिस पर बच्चे की नजर नहीं पड़ती, जैसे यही क्वेश्चन देना होगा ना तो वो ये क्वेश्चन में देगा कि रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, और बाजू में दे रखा x बिलोंग्स टू 1, 2, 3, जिस पर आपकी नजर नहीं पड़ेगी, अगर आपकी नजर नहीं पड़ी और आपने फार्मूला लगा दिया तो आप गलत चले गए। अब आपको यहां एक समझदारी देखनी पड़ेगी, आपको ये पता चल गया कि जब आपने इसका वर्टेक्स निकालेंगे, सही है, तो आपको पता है dy/dx इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी 1/2, x की वैल्यू 1/2 रखते ही y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, बोले तो 3/4 आ गया, राइट है, तो आपका वर्टेक्स कितना तैयार हो गया साहब 1/2, 3/4, ये बात आपके समझ में आ रही है नहीं आई, सही है, तो आपका वर्टेक्स 1/2 से कहां तक है 3/4 तक, 1/2, 3/4 है। अब आपको ये भी पता है, आप में से कई बच्चे जानते हैं इसका a पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका मतलब मुंडी अपवर्ड। अब जरा जिनको ग्राफ आता है वही ध्यान रखना, x की वैल्यू 1/2 यहां कहीं होगी और 1/2 पे 3/4 ऊपर यहां कहीं होगा, यहां कहीं 3/4 होगा, तो 1/2, 3/4 यहां करके मिलेगा, और क्योंकि a पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ ऊपर खोलूंगी नीचे, तो मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे खुल जाएगा भाई, ये बात आपके समझ में आ गई, मतलब इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा अगर ग्राफ ऐसा होगा तो ये मेरे से कह रहा है कि जब x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में तब रेंज बताओ आप, तो आपको पता होना चाहिए x इज इक्वल टू 1, 1/2 के इधर पड़ेगा, अरे 1 जो मिलेगा 1/2 के इधर होगा, 3 कहां होगा, थोड़ा और आगे नहीं आया, और इस दौरान जो ग्राफ का टुकड़ा काम में आ रहा है वो ये है, नहीं आया। अब आपको पता होना चाहिए रेंज माने वाई होता है, क्योंकि मैं वाई में तो रेंज सिखा रहा हूं,
तो आपको पता होना चाहिए इस जगह पे वन जब आया, सुना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, एक्स की जगह वन रखू, वन रखो जरा, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, वन कॉमा वन, अब जरा थ्री रखो, थ्री रखने पे क्या आ रही है, इसको तो डरा भाई मैं, है ना, हाँ भाई इसके ये कितने आ रही है, थ्री रखने पे कितने आ रही है, सेवन पक्का, देखो जरा तीन का स्क्वायर आ गई ना सेवन, ठीक है थ्री कोमा सेवन आ गई। अब आपको बताएगा कि इधर से वाई की वैल्यू कितनी थी, वन, और यहाँ पे वाई की वैल्यू, तो बताएगा कोई रेंज कहां से कहां तक गई, हाँ तो अब की बार रेंज निकली वन टू सेवन, कहानी पकड़ में आई आपको, अब की बार रेंज आई वन टू सेवन, अभी भी नहीं आया, हर बार वो ऐसा देगा, थोड़ा बहुत लॉक हुआ या नहीं हुआ, कहानी पकड़ में आई हल्की सी। अब मान लो ऐसी, देखो इसी कहानी को दूसरे तरीके से दिखाता हूं, रेडी, अब आप इसको उस तरह से पकड़ना, तैयार है ना, देखो क्वेश्चन में अगर वो ऐसा नहीं देगा तो ये दे देगा, क्वेश्चन में बोल देगा रेंज ऑफ, किसी ने दे दिया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन, क्या दे दिया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन, आपने तुरंत काम किया, सर इसे ऐसा लिख लेते हैं, मैंने कहा लिख ले यार, है कि नहीं, बाजू के अंदर दुनिया को बता देते हैं टी इज इक्वल टू, लेकिन जैसे ही आप बताओगे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि साइन एक्स खुद कहां से कहां तक है, हाँ माइनस वन से वन। अब आपका पिछला क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन तैयार हो गया, पिछली बार एक्स की खिड़की कहां से कहां तक खुली थी, वन से थ्री, अब की बार खिड़की कहां से कहां तक खुली, तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो फिर से इसका वर्टेक्स वैसे ही निकलेगा, ये तो पिछला क्वेश्चन ही तो है, तो इसका वर्टेक्स क्या निकलेगा, वन बाई टू कमा थ्री बाई फोर ही निकलेगा, तो फिर से आप ग्राफ बनाओगे, वन बाई टू पे जाओगे, थ्री बाई फोर पे जाओगे, और जाकर के ऐसा ग्राफ खड़ा कर दोगे भाई, ये ग्राफ बन गया, नहीं है, जैसे ही आपका ग्राफ तैयार होगा, अब आपको इस ग्राफ को कहां से कहां में देखना है, माइनस वन से वन, वन कहां मिलेगा, वन बाई टू के थोड़ा सा आगे, यहां ले लू, यहां पे मैंने वन ले लिया, अच्छा और माइनस वन कहां मिलेगा, यहां के ले लू, श्योर, अब मेरा जो ग्राफ है माइनस वन से वन में, ये वाला काम में आ रहा है, देख लो, दिख रहा है आपको, मैं इसको डार्क कर दूं थोड़ा, इतना हिस्सा काम में आ रहा है, कोई मेरे को बताएगा इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कहां है, वर्टेक्स पे, ये बात हो, कोई आंख का अंधा भी देख के बता देगा, नहीं है, अच्छा और हाईएस्ट पॉइंट ये है कि ये है, अब मैं ये और वो की जगह बोलता हूं, हाईएस्ट पॉइंट वन पर आ रहा है या माइनस वन पर आ रहा है, माइनस वन पे, लेकिन नहीं, मान लो आपको दिख नहीं रहा तो आप चक्कर क्यों खा रहे हो, वन रख लो, वन रखते वन कॉमा वन अभी रखा था ना, अच्छा माइनस वन रखते हैं, माइनस वन रखने पे कितना आ रहा है, माइनस वन रखो, माइनस वन, माइनस वन पे वन, माइनस माइनस वन प्लस वन कितना हुआ, थ्री, तो माइनस वन पे थ्री आया, याद है मैंने आपको सिखाया था कि हम क्या देखते हैं, एक्स की वाई, वाई इसका वाई बोलेंगे, उसका वाई बोलेंगे थ्री, अच्छा और इसका वाई बोलेंगे, इसका वाई कितना था, थ्री बाई फोर, तो मिनिमम वाई किसके पास है, थ्री बाई फोर, और मैक्सिमम थ्री, तो मेरे लिए रेंज कहां से कहां तक हुई, थ्री बाई फोर से थ्री तक, नहीं है थ्री बाई फोर से थ्री तक, अभी भी पल्ले नहीं पड़ा, दूसरी तरफ चलते हैं, आओ और गंदा खेलते हैं, ये तो हटा दो, ये वाला, ये तो हो चुका है ना, है ना, ये तो हो चुका होगा, सही है ना, अच्छा मान लो क्वेश्चन ये ना होता, ये होता, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है ना, पढ़ा नहीं है ना, अब आपने इतनी बात पढ़ी नहीं है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका पढ़ा हुआ नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं सकता उस रेंज में जाकर, ठीक है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता, तो आप में से कितने लोग समझ गए कि अब की बार ग्राफ फिर वही बना, वही वन बाई टू और थ्री बाई फोर, राइट है, वही सेम ग्राफ ड्रॉ होगा, सही है, अब जब ग्राफ ये ड्रॉ हो गया तो बताइए मेरे को कहां से कहां में देखना है, जीरो कौन है, जीरो कहां से लूं, वाई एक्सिस, ये रहा जीरो, जीरो से इंफिनिट तक, अभी भी नहीं आया, हाँ जीरो इधर है, इसके इधर, ये आपके पकड़ में आया, तो मतलब मेरा जो ग्राफ काम करेगा इस जगह को छुड़वा करके बाकी सारा ग्राफ मेरा है, अगर आप पहचान लो तो, ये सारा ग्राफ मेरा है, सही है, और जो इसकी रेंज होगी वो मेरी, मेरे आंसर को सेटिस्फाई करेगी। अब आप बताइए कि मेरे को कितनी जगह पे चेक करना है, जीरो पर नहीं, एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, जीरो पर, और यहां एक्स की वैल्यू वन बाई टू, और टॉप वैल्यू, तो बताएगा कोई मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, आपको आती है,
वन बाई टू पर वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू 3/4 और टॉप वैल्यू इनफिनिट नहीं है, है ना। पहले हम वहां तो कॉपी करो, फिर क्या बुद्धि आपकी तभी काम करेगी, अभी नहीं। मैं इसको हटा रहा हूँ, कुछ और दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखाना आप, हाँ भाई क्वेश्चन है फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू, में दे रखा लॉग, बेस में दे रखा 10 और यहां दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 26 माइनस लॉग बेस 10 एक्स प्लस 2। सही है, इससे क्या है अपना थोड़ा लेवल भी ठीक रहेगा। एक जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, लेवल गिरा देते हैं धीरे धीरे। ये यहां तक पकड़ में आ गया आपको, नहीं है? स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना बाद में देखना, पहले बताओ। सबसे पहले इसको देख करके पहला लॉग का कोई प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ रहा तो बोलो, डिवाइड, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो इसका मतलब लॉग ए बाई बी लगा दू। तो अगर मैंने लगा दिया तो इट इज लॉग बेस 10 ब्रैकेट के अंदर कितना एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 26, ठीक है भाई, डिवाइड बाय नीचे कितना x प्लस 2। अब एक छोटी सी बात बताइए कि x प्लस 2 अगले ने नीचे बैठाया है तो इसकी क्या उम्मीद रही होगी कि x प्लस 2 से ऊपर वाला डिवाइड होगा। अब आप कैसे चेक करोगे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, x की वैल्यू माइनस 2 ऊपर रख के चेक कर लेते हैं। आओ ऊपर रख लेते हैं, x की वैल्यू माइनस 2 रखते हैं माइनस 8, x की वैल्यू माइनस 2 रखते हैं माइनस 16, श्योर x की वैल्यू माइनस 2 रखते हैं माइनस 2। अब बताइए प्लस का 26, सोच लो कट गया कि नहीं कट गया, इसका मतलब 100% x प्लस 2 से डिवाइड होगा, राइट है भाई। अच्छा मैं छोटा सा एक तुक्का लगा देता हूँ, जैसे मुझे कुछ याद भी है तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ क्योंकि बैल बज गई। आप x प्लस 2 से इसे डिवाइड करोगे, डिवाइड करना होता है ना, तो डिवाइड करने पर ये मुझे ऐसा लगता है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 आ जाएगा और अपॉन में नीचे की तरफ x प्लस 2 ये। अब आप होता है x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, सही है भाई। ये जैसे ही कैंसिल आउट हुआ मेरे पास ये बच गया। अब आपको बताना चाहिए y इक्वल टू में इतना लिखा हुआ है, y इक्वल टू में ये लिखा हुआ है। अब आप दिमाग ये लगाओ कि मुझे इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कब मिलेगी, जब ये जो क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक अपने मिनिमम पे होगा, नहीं है आपको समझ में? अरे आप दिमाग लगाओ ना, ये क्वाड्रेटिक जब अपने मिनिमम पे होगा, आपके समझ में नहीं आया? ये क्वाड्रेटिक है ना, लॉग के हाथों में थोड़ी ना कुछ, अरे ये लॉग जो है इसके हाथों में नहीं है कुछ भी, किसके हाथों में? क्वाड्रेटिक के हाथों में। क्वाड्रेटिक जब अपना मिनिमम होगा वो लॉग को देगा, लॉग का मिनिमम आ जाएगा। अब किसी भी क्वाड्रेटिक का मिनिमम उसके उसके वर्टेक्स पे आता है, किसी भी क्वाड्रेटिक का मिनिमम उसके वर्टेक्स पे आता है। तो आप अगर वर्टेक्स के लिए दौड़ रहे हो तो दिमाग लगा लो आप में से, हाँ बिल्कुल, डीवा बाय डीएक्स बोल दो आप, इसका डीवाइडेक्स सोच लो कितना 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 करते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 उठा करके इसमें रख दो, x की वैल्यू जैसे आप 3 रखोगे आपका दिमाग काम कर जाएगा। x की वैल्यू 3 रखो कितना आ गया 9 माइनस 18 प्लस 13, क्या कहते हो आप? नहीं आया कोई मेरे को बताएगा जरा कितने आए मिनिमम, मिनिमम बोलो ये कितना आया, जोड़ लो आप फटाफट जोड़ा करो, कितना आ गया 4। तो कहना मतलब इसका मिनिमम इज इक्वल टू 4 एट x इज इक्वल टू 3, तो इसका मिनिमम कितना आ गया log 4 बेस 10, नहीं आया? कहानी बगड़ माई, ऐसे यूटिलाइजेशन करना है अपने को जो हम सीख रहे हैं। अब आप अपने दिमाग में भरना चालू कर दो, किसी भी क्वाड्रेटिक का मिनिमम एट उसके वर्टेक्स, और वर्टेक्स निकालना सेकंड्स का काम होता है, सेकंड्स का डिफरेंशिएट खटाक से इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू, एक्स को वैल्यू को खटाक से पटको, अभी भी नहीं आ रहा। दिमाग में भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, फिर धीरे धीरे आ जाएगा, राइट है। अब अपन कल करते हैं, आज मैं आपको काम नहीं दे रहा।